सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें ना तो मैं लहसुन और प्याज यूज़ करूँगी और ना ही ज़्यादा मसाले। तो 15 मिनट में आप इस क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स को जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 2 कटोरी मैदा और 1 चुटकी नमक, जिसको मैं अभी छान रही हूँ। तो इसको छानने के बाद आप इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हम मैदे के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें घी ऐड करने से क्या होगा, ये थोड़े क्रिस्पी बनेंगे एंड बढ़िया से लेयर्स बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो मैदे को हमें घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जब हम उसको मुट्ठी में हाथ में लें तो वो जो है वो टूट के बिखर ना जाए। तो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि टूट के जो बिखर नहीं रहा है, अच्छे से जो मैदे के साथ घी जो मिक्स हो चुका है। 1/4 कप मैंने दूध और पानी मिक्स करके ले लिया है। आप चाहें तो आप सिर्फ पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं या फिर दूध से। तो इसका डो बनाने के बाद आप 20 से 25 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। तो डो जो रेडी हो चुका है, आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, बट उससे पहले आप इस पे ऑयल या घी लगा लेंगे ताकि ये सूखे ना। तो मेरे पास बॉयल्ड आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है, उनको मैं तड़का देने वाली हूँ, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया जीरा। जीरे के भुनते आप उसमें ऐड कर देंगे हरी कटी हुई मिर्च। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ना ही मैं इसमें लहसुन प्याज यूज़ करने वाली हूँ और ना ही ज़्यादा मसाले। तो मसाले में सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। लो फ्लेम पर 1/2 मिनट के लिए आप इसको पका लेंगे एंड उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आप मैश्ड आलू। अगर आप चाहें तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है मसाले ऐड कर सकते हैं। आलू को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड कम से कम 2 से 3 मिनट के लो फ्लेम पे जो है पकने देंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास पहले से ही फ्रिज में आलू परांठे के बचे हुए आलू हैं या तड़का दिए हुए कोई भी आलू हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे हमारे आलू जो है वो रेडी हो जाते हैं, आप इनको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रोल करके इसको पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो अब आप फ्लोर पे जो है जो भी आप बेस यूज़ कर रहे हैं उस पर आप मैदा स्प्रिंकल कर देंगे एंड इसको जो है वो फ्लैट कर लेंगे। ना ही ज़्यादा आपको इसको मोटा फ्लैट करना है, ना ही ज़्यादा पतला। इस तरीके से इसको फ्लैट करने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी आलू की, आप इसको उस पर ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हाथ से जो सेंटर पार्ट में जो अच्छे से डिवाइड कर लेंगे पूरा। तो इसके बाद हमारा जो सबसे मेन टास्क आता है वो यही है कि इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। तो आप इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसा कि आप स्प्रिंग रोल को करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप हल्का हल्का जो वो प्रेस भी करते जाएंगे इसको। चारों साइड से फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे एंड रोल जो है आपको बिल्कुल टाइटली करना है ताकि इसमें हवा ना रह जाए। धीरे धीरे करके आप टाइटली जो इसको रोल कर लेंगे। तो रोल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो इसकी साइड्स को जो है रिमूव कर सकते हैं, बट मैं क्या करने वाली हूँ, उसकी साइड्स को भी यूज़ करने वाली हूँ। रोल करने के बाद दोनों हाथ से आप इस तरीके से एक बार कर लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए एकदम। एंड अब बारी इसको स्मॉल पोर्शंस में कट करने की। तो इसका जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, बड़े साइज़ का भी रख सकते हैं। जल्दी से बिना देरी किए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने ऑयल जो है वो गर्म ही रखा है, आपको जो ऑयल है वो मीडियम गर्म रखना है। मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो लो ही रहे ताकि ये जल ना जाए। बस इनको फ्राई होने दें एंड हमारे क्रिस्पी एंड टेस्टी पोटैटो रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। सो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं दैट आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।